हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फोन के अंदर अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। कई बार आपको जरूरत है कि आप अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन के अंदर किन स्टेप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कितने स्टेप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम आपको बता देते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन करेंगे आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। सेकंड ऑप्शन आपको बता देते हैं, आपके फोन के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन दोनों देखने को मिलते हैं। जब आप दोनों एक साथ प्रेस करते हैं आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। वहीं से हम बात कर लेते हैं अपने फोन के अंदर थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में क्या है, आपको नीचे को अपना स्क्रॉल अप डाउन कर लेना है नोटिफिकेशन पैनल। जैसे ही आप इसे डाउन करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, इसमें आपको स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको इसमें देखने ना मिले, इस साइड के लिए स्वाइप कर देंगे, इसके बाद भी ना मिले तो आप पेंसिल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट, इसे आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे, इसे आप ऊपर के लिए स्वाइप कर देंगे। अब यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, अब आपको यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोन के अंदर फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में क्या, आप किसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ आ जाना है कन्वीनियंस टूल में। कन्वीनियंस टूल में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर आता है स्मार्ट साइड बार, इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आप इस साइड के लिए स्वाइप करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करेंगे आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोन के अंदर फाइव ऑप्शन में। फाइव में आपको जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको थ्री फिंगर स्वाइप डाउन कर देना है, आपको स्क्रीनशॉट आ जाए। स्क्रॉल करेंगे और आपका यहाँ से एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट बनकर तैयार हो जाता है, जितना बड़ा आपको चाहिए इसे आप डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको ये सेव हो जाता है, यहाँ से आप सेंड एडिट और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर छोटा एक स्क्रीनशॉट लेना है, सिक्स ऑप्शन पे हम आपको बताते हैं, जैसे आपको केवल इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है, इस पर आपको थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है और आपके फोन के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे आपको इतना स्क्रीनशॉट चाहिए केवल अपनी स्क्रीन पे इतना, तो सिंपली आप इस प्रकार से उसे सेट कर सकते हैं। ए शेप मिल जाता है, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको राउंडेड चाहिए, तो इस प्रकार से भी आपको देखने मिल जाता है और इस प्रकार से भी आपको देखने के लिए मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो सिंपली आप उसे सेव कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है, जो कि हम आपको गैलरी में चेक करा देते हैं। यहाँ से आपको देख सकते हैं बहुत सारे, देखो यहाँ मिल जाता है आपको स्क्रीनशॉट, ये आपको गैलरी में स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है इतना। इस प्रकार से अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिक्स ऑप्शन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।